वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल गुड। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास सेवेंथ की जो हिंदी बुक है बसंत भाग टू, उसका जो कठपुतली चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं जो है ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को दो तीन बार सुन लिया तो आपको क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे वो आप बड़े ही अच्छे ढंग से और आसानी के साथ जो है कर लोगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर वन है, उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम बताएं। देखो जो कठपुतली यहाँ पे दिया है, पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, तो इसका जो कवि है वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये आप याद रखना, उत्तर क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट आता है, पहली कठपुतली के मुँह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ उससे क्या कहती हैं? तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है, हाँ हमें, हाँ उन्हें भी स्वतंत्र होना है। वो क्या कहती हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है हाँ उन्हें भी स्वतंत्र होना है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मन में छंद शब्द का अर्थ है, तो मन में छंद शब्द का अर्थ क्या होता है? मन में खुशी। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, बिना धागों के कठपुतली का अस्तित्व डैश है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है, बिना धागों के कठपुतली का अस्तित्व जो है वो डैश है, तो क्या है? बेजान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर पाँच, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पे उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। देखो इच्छा का जो क्या होता है, इच्छा का पर्यायवाची होता है चाहत, उसके बाद में कामना, लालसा, और इसीलिए यहाँ पे जो उत्तर है वो क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर वन, कठपुतली पाठ के रचयिता कौन है? कठपुतली पाठ के रचयिता कौन है? यहाँ पे जो उत्तर है वो क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट आता है, कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है काठ की पुतली। ठीक है, कठपुतली शब्द का अर्थ क्या है? काठ की पुतली। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लोगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे अगर आएगा और आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है, कठपुतली कविता में कितनी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पे उत्तर क्या है? 15 पंक्तियां हैं इसमें। कठपुतली कविता में कितनी पंक्तियां हैं? 15। नेक्स्ट आता है, कठपुतली को किस बात का दुख था? कठपुतली को किस बात का दुख था? उत्तर है दूसरों के इशारे पर नाचने का। आपने सुना होगा कि ये तो कठपुतली है, मतलब कहने का कि जो लोग जो है दूसरों की बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं, दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, उनको भी कठपुतली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कठपुतली को किस बात का दुख था, तो उसको दुख क्या था? दूसरों के इशारे पर नाचने का। उत्तर क्या है? ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है, कठपुतली ने क्या तोड़ने के लिए कहा? तो यहाँ पे उत्तर है धागा। याद रखना, कठपुतली ने क्या तोड़ने के लिए कहा? धागा। नेक्स्ट आता है, कठपुतली का जीवन किसके हाथ में था? उत्तर क्या है यहाँ पे? दूसरों के हाथ में। कठपुतली का जीवन किसके हाथ में था? दूसरों के हाथ में। नेक्स्ट आता है, कठपुतली को किनसे परेशानी थी? तो धागों से। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? धागों से। उत्तर क्या है? ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है, कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से क्या कहा? उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि आत्मनिर्भर होने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, तो ये तीनों बातें कही, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे
घ इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस पाठ में गुलामी किसे पसंद नहीं थी, तो यहाँ पे किसको पसंद नहीं थी, कठपुतली को, कभी को बिल्कुल नहीं, कठपुतली को। ठीक है, ऑप्शन ख इज़ द राइट आंसर, इस पाठ में गुलामी किसे पसंद नहीं थी, वही हम कठपुतली की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी स्वतंत्र होने की। देखो ये जो है, आप सोच रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन तो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन चक्कर ये है कि हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको करके आओ। ठीक है, तो कठपुतली धागे तोड़ने का आग्रह क्यों करती है, यहाँ पे उत्तर क्या है, क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती है। नेक्स्ट आता है पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। ठीक है, हाँ मिलाई। ठीक है, जब एक ने बोला कि हमें स्वतंत्र होना है तो जो बाकी कठपुतलियाँ थी उन्होंने भी जो है हाँ में हाँ मिलाई। नेक्स्ट आता है कठपुतली धागे तोड़ने के लिए किस प्रकार बोली, गुस्से से। ठीक है, उत्तर क्या है, गुस्से से। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर पंक्ति को पूरा कीजिए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के डैश छुए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मन के छंद यहाँ पे जो है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है इस कविता के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को बताया है, उत्तर क्या है, स्वतंत्रता के महत्व को। नेक्स्ट आता है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, अभी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी परेशान हो चुकी थी, उसके आगे पीछे हर जगह धागे ही धागे हैं जो उसे पसंद नहीं हैं, साथ ही साथ वह खुद से कोई काम नहीं कर सकती, उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचना पड़ता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप लिख दोगे तो ठीक चलेगा, उसे इन धागों के बंधन से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है, वह इस गुलामी की ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, उत्तर क्या है, अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि आज तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में वह धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उसमें बिना धागों की मदद से अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है, केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती, इसी कारण उसे यह डर भी है कि कहीं उसके बिना धागों के अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा से उसे जहाँ अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, पहली कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली की तरह वो भी धागों के बंधन से स्वतंत्र होना चाहती थी, उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था और अपनी इच्छा के अनुसार चलना था, वे भी दूसरों के इशारों पर गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसी कारण जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों को ये बात बहुत पसंद आई। नेक्स्ट आता है पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि उसे कैसी इच्छा, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी,
वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो अभी जो है उत्तर क्या है, पहली कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों के बंधन और दूसरों के इशारों पर चल चल कर परेशान हो चुकी है। उसके मन में स्वतंत्र होने की भावना बहुत अधिक तीव्र होती है, इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और किसी के भी इशारे पर चलने से इनकार करने का फैसला लिया। इस पर अन्य सभी कठपुतलियां उसका समर्थन करती हैं और उसके साथ विद्रोह करने की बात कहती हैं। तब पहली कठपुतली को एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वो सोचने लगी कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी, इस बात का क्या भरोसा है कि स्वतंत्र होने के बाद वो खुश रह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी ये स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है। इन बातों की वजह से ही पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई और उसे लगने लगा कि उसके मन की इच्छा सही भी है या नहीं। ठीक है, तो बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है, बहुत दिन हुए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। उत्तर क्या है कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन में कोई खुशी नहीं आई, अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसी कारण से हमारे मन की सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स, ये देखिए यहाँ पे जो कठपुतली भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें ये देखो ये है यहाँ पे कठपुतली, तो ये देखो इसके धागे हैं ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं उनकी प्रेपरेशन जो है उसकी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, गुड नाइट।